वेलकम टू लजीज कुकिंग। मैं अमित आपका लजीज कुकिंग में स्वागत करता हूं। आज हम बनाएंगे बनाना स्ट्रॉबेरी शेक। बनाना स्ट्रॉबेरी शेक जिसमें हमें चाहिए 2 कटे हुए बनाना, 3 कप दूध, स्ट्रॉबेरी क्रश 1/2 कप, सजावट के लिए पिस्ता और आइस क्यूब। सबसे पहले हम लेते हैं केले कटे हुए और साथ में हम डालते हैं स्ट्रॉबेरी क्रश। बच्चों को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम स्ट्रॉबेरी क्रश ले रहे हैं। सीजनल होती है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी क्रश हर समय घर पे पड़ा रहता है। जब भी हम शेक बनाते हैं तो वो पतला होता है, उसमें पतलापन होता है शेक में, इसीलिए हम बनाना का प्रयोग कर रहे हैं। बनाना से शेक में थिकनेस आती है। अब हम इसे करेंगे मिक्सिंग। इसको थोड़ी देर मिक्सी करेंगे, ये हल्का होएगा। हल्कापन आने से इसका स्वाद बेहतर होता जाता है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, आइस क्यूब, स्ट्रॉबेरी शेक। इसी तरह आप बनाना कीवी शेक बना सकते हैं। बनाना में कीवी क्रश डाल के बनाना कीवी शेक, पाइनएप्पल क्रश डाल के बनाना पाइनएप्पल शेक, अलग अलग तरह का शेक आप बना सकते हैं। अब इसकी सजावट के लिए पिस्ता कटा डालेंगे। बनाना स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है। इसी तरह से आप अलग अलग केक बना सकते हैं। बनाना स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 बनाना कटे हुए, 3 कप दूध, 1/2 कप स्ट्रॉबेरी क्रश, पिस्ता डेकोरेशन के लिए और आइस क्यूब। सबसे पहले कटे हुए बनाना और स्ट्रॉबेरी क्रश को मिक्सी में अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद दूध, आइस क्यूब डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी सजावट के लिए पिस्ता का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका लजीज बनाना स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है।